ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो नए बदलवाते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। और हम मेरठ से बिलोंग करते हैं तो आपको बताएंगे, अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं तो आपको कहाँ से अपनी बाइक के सीट कवर बदलवाने चाहिए, बस एक एक बात आपको बताएंगे इस व्लॉग में, हम पूरा व्लॉग शूट करेंगे। सो गाइज़ आप बने रहिए। तो अब हम पहुँचने वाले हैं भैया के पास, सो आइए गाइज़ प्लीज़ कम विद मी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी बुलेट के सीट कवर चेंज करा रहे हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये 2019 मॉडल है, ये मेरी रॉयल इनफील्ड टॉप राइट स्टैंड। तो इसके कवर फर्स्ट टाइम चेंज करा रहा हूँ मैं, भैया चेंज कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं भैया। इन्होंने सीट खोल दी है और अब इसके बाद इसके कवर बदल जाएंगे। पुराने वाले कवर दिखाता हूँ पहले मैं आपको, फिर नए दिखाएंगे, नए लगकर के आप देखिए। देखिए कितने सारे कवर इनके पास, रेक्सीन लेदर कवर रखे हैं जिससे ये सीट बनाते हैं। ये मेरी बाइक देखिए खुल गई है, इसकी बैक सीट खोल दी गई है फ्रेंड्स। बैक सीट उतरने के बाद अब ये हो गई है रॉयल इनफील्ड पोबर। देखिए पुरानी सीट, देखिए इसका कितना बुरा हाल हो गया है, ये देख लीजिए, ये इसकी पुरानी सीट है। चलिए मैं आपको बैक सीट भी दिखाता हूँ। और ये देखो भैया मेरी सीट बना रहे हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, देखो सीट खोल रहे हैं, ये देखिए बहुत जल्दी इन्होंने खोल दिए, क्योंकि ऑफिस के टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं आया हूँ अपने सीट कवर चेंज कराने। लास्ट वीक भी आया था तो भैया की शॉप बंद थी, बट आज मुझे मौका लगा तो मैं सीट कवर चेंज करा रहा हूँ। पीछे से इसके दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी फट गए थे भैया। इधर इसकी सीट को पलट कर दिखा दीजिए, देखो कितना बुरा हाल हो गया था ये। क्या नाम है भैया आपका? लीलू सिंह। लीलू भैया देखो मेरी सीट बना रहे हैं बाइक की, तो भैया के लिए लाइक ज़रूर करना वीडियो मेरी। चलिए तो जैसे अभी देखे इन्होंने मेरी बाइक को बोबर बना दिया बैक सीट उतार कर रॉयल इनफील्ड, देखिए। और ये देखिए इसका जो बैक स्टैंड है, ये भी इसका पेंट उतर रहा है, तो मैं ये भी चेंज करा दूंगा। और जो बैक फॉर्म है इस पर स्टैंड पर, इसे भी चेंज कराऊंगा। तो भैया लेने गए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये इन्होंने अभी बिल्कुल प्योर लेदर के सीट कवर तैयार किए हैं खुद हैंडमेड। और देखिए सभी बाइकों के कवर रखे हैं यहाँ, ज़्यादातर देखिए रॉयल इनफील्ड की सीट हैं ये, रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड क्लासिक थंडरबर्ड सभी चीज़ सभी बाइकों की सीट हैं। अब देखिए अपनी बाइक को भी है बिल्कुल नया बना। देखो फ्रेंड ये स्टैंड तो लिया है भैया बैक वाला, पुराना ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने नया मंगाया है। और ये देखो भैया ने फॉर्म भी लिया है, भैया ज़रा फॉर्म दिखाना, इसकी निकाल कर दिखाएंगे। ये देखो अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो कितने स्टाइलिश ये बैक स्टैंड पर इसके फॉर्म लग जाएगी। बस आज बाइक ऐसी हो जाएगी जैसे सीट लगने के बाद बिल्कुल नई सीट। ये देखो अंकल और भैया दोनों मिलकर बाइक के, ये देखिए कितना डस्ट हो रहा है इन्होंने खोली है पीछे। ये देखो अंकल अब आगे वाली सीट खोल रहे हैं, तो इनके लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो मेरी। चलो अंकल से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, अंकल अपना नाम बताना ज़रा। धर्मेंद्र अंकल, भैया हमारे तो भैया हैं, अंकल भी कह सकते हैं हम, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखो बैक सीट खोल दी है, आगे वाली फ्रंट सीट खोल रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं बिना सीट की ब्लड रॉयल इनफील्ड, ये मेरी ड्रीम बाइक है, क्योंकि मुझे इसके अलावा दूसरी बाइक चलाने में मज़ा ही नहीं आता। और ये देख लीजिए आप विदाउट सीट कैसी लग रही है ये, और अभी देखेंगे जब नए सीट कवर लग जाएंगे तो फिर इसकी लुक कुछ हो रही होगी। ये देखिए भैया की शॉप, दोनों भैया लग रहे हैं। देखिए उतरने के बाद सीट बिल्कुल ही देखिए डिफरेंट हो गई है, सारे पुराना इस पर जो कवर था जो कि ओरिजिनल था, बट मैं दोबारा भी ओरिजिनल ही लगवा रहा हूँ। ये देखिए कितने सफाई से काम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र भैया फ्रंट वाली सीट को खोल रहे हैं। ये निकली है सीट अंदर से कवर उतर कर, hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us and love is all trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go.
भाई बहुत फिनिशिंग के साथ भैया ने तैयार कर दी बैक सीट। चलिए मत आ गया, अब लगाकर आपको बताएंगे। फ्रंट वाली तैयार हो रही है अभी। ये यहाँ पर बैक स्टैंड लगाने के लिए इसमें नॉब बना रहे हैं, छेद कर रहे हैं भैया। ये देखिए अब ये स्टैंड पर किस तरह से इसे ग्रिप को लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट सीट बनकर आ गई है भैया, लगा रहे हैं देवेंद्र भैया, और बैक सीट हो रही और लगने के बाद देखते हैं बाइक में। देखिए जान पड़ गई है, मज़ा आ गया है। ये देखिए टू व्हीलर सीट कवर मेकर भारतीय रजबन वाले, ये जो सामने भैया खड़े हैं ये दुकान के ओनर हैं और बहुत अच्छा इनका काम है, मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस कहते हैं ना कि जैसे अच्छे कपड़े पहनकर आदमी के ऊपर रौनक आ जाती है, ऐसे ही सीट कवर से बाइक या कार में भी रौनक आ जाती है। तो ये देखिए बाइक में जान पड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई बाइक लियो। बाकी अभी देखिए सर्विस मैंने कराई है और अभी वॉशिंग भी करानी है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसके वॉशिंग के बारे में बताऊँगा कहाँ से आपको वॉशिंग करानी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इधर आप मेरठ साइड के रहने वाले हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर ये बेगमपुर आपका बाज़ार के पास भैया की शॉप है, यहाँ आएँ और ये यहाँ से आप अपनी सीट लगवाएं बाइक में। और नेक्स्ट मुझे अपनी वैगनार कार के सीट कवर भी चेंज कराएं, तो वो मैं देखिए कहाँ से कराता हूँ आपको बताऊँ। एक मन तो ये कर रहा है कि इसकी बैक सीट कुछ दिन उतार कर रख देते हैं क्लीन कराकर और बाइक को बॉबर बनाकर चलाते हैं, बट क्या है ना कि हम फैमिली वाले लोग हैं तो अपनी वाइफ को भी लेकर जाना पड़ता है, घर से फैमिली से भी किसी ना किसी को बिठाना पड़ता है, तो इसलिए चलो सीट लगवा लेते हैं, बॉबर नहीं बनाते हैं। देखिए धर्मेंद्र भैया ने पूरी मेहनत की है और इन्होंने भैया ने भी दूसरे वाले भैया ने भी मज़ा बांध दिया है बाइक में, जान डाल दी। तो गाइस देखिए बाइक एक सीट के साथ तैयार है और अभी दोनों सीट लगने के बाद आपको दिखाता हूं। दूसरी सीट की फिटिंग फिनिशिंग तो बहुत ज़बरदस्त आ गई है और बाइक में जान पड़ गई, मज़ा आ गया। ये देखिए क्या डैशिंग लुकिंग आ गई है बाइक की। ये देखिए भैया के ऑब्जर्वेशन में ये काम हुआ है और धर्मेंद्र भैया ने और दूसरे वाले भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है बाइक का। मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ और आपसे कहूँगा कि मैं प्लीज़ अपना काम अगर मेरठ से हैं सीट कवर बदलवाने हों तो आप यहीं से डलवाएँ। तो भाई बाइक हमारी हो गई है रेडी, ठीक है फिर हम चलते हैं। धर्मेंद्र भैया को शुक्रिया करते हैं, बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने और दूसरे भैया ने भी। तो व्लॉग हमारा रेडी है, अब आप देखिएगा इसे यूट्यूब पर और भैया के लिए भी प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारे और व्लॉग आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ गाइस आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और ये है रॉयल इनफील्ड का फाइनल लुक सीट कवर लगने के बाद, वॉश होने के बाद देखिए कितनी साफ सुथरी खूबसूरत लग रही है, जैसे कि बिल्कुल न्यू ब्रांड हो गई है बाइक। गाइस सीट कवर बाइक में डल चुके हैं और मैं लोड कर अपने ऑफिस भी आ चुका हूँ। ये देखिए मेरा ऑफिस है CRU मेरठ कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल। और गाइस देखिए मैं आपको बताऊँगा मात्र 500 रुपीज़ में सारा काम हो गया है। 400 रुपीज़ में भैया ने सीट कवर विथ फिटिंग डाले हैं, बहुत मेहनत भी की है, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सही पैसे लिए हैं उन्होंने। तो प्लीज़ आप इनके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए।